स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का जो काव्य खंड है चैप्टर 13 ग्रामश्री, उसका आज हम उस कविता का भावार्थ को हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसके आगे का वीडियो में पार्ट 1 में मैंने 4 पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 ये 4 तक भावार्थ हम पढ़ा दिए हैं। आज का वीडियो में हम और बाकी जो 3 पैरा है इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम कविता का पाठ करेंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताएंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। कवि कहते हैं कि अमरूद के पीले अमरूद जो है वो पीले और मीठे हो गए हैं। जब अमरूद बच्चों मीठा हो जाता है, मतलब पक जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, एकदम लाल लाल हो जाता है या तो फिर पीला पीला हो जाता है। अंदर में लाल होता है और ऊपर से पीला हो जाता है जब वो बहुत पक जाता है। उन पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। पक गई सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। बेर में बेर भी पककर मीठे तथा सुनहरे हो गए हैं। आमलों से पेड़ की डालें लद गई हैं, यानी लद गई है मतलब पूरा भर गया है पेड़, आमलों की पेड़ आमलों से लद गया है। लहलह पालक मैमय धनिया, लौकी और सेम फली फैली। पालक की खेती लहलाने लगी है, यानी खेती में पालक जो है हरा हरा पालक वो लहलाने लगा है। धनिया महमह करके महकने लगा है। लौकी और सेम की फलियां उगकर चारों ओर फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। टमाटर मखमल की तरह लाल हो गई है, मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी हरी थैली के समान उगाए हैं। मतलब इतना ज़्यादा मिर्चा हो गया है कि जैसे लग रहा है कि हरी थैली है। अब नेक्स्ट पैरा देखिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगोली की कंघी से बगुले कलंगी शवारते हैं कोई, तीतरे जल में शुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। कवि बताते हैं कि प्रातकालीन सूर्य की किरणें पड़ने के कारण गंगा नदी की रेत 7 रंगों में चमकने लगी है, यानी गंगा के नदी के तट पर जो बालू रहता है, रेत मतलब बालू, वो सूरज की किरणें पड़ने पर 7 रंग जैसे चमकने लगती है। और इस रेत में आड़ी तिरछी पड़ी रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांप के समान दिखाई देती है। सुंदर लगती शरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। गंगा के किनारे पर दूर दूर तक लगातार छाई तरबूजों की खेती बड़ी सुंदर लग रही है। अंगुली कंघी से बगुले कलंगी संभालते हैं कोई, और इन्हें देखकर कभी को बगुले अपने पाँव की उंगलियों सिर पर मारते हैं। बगुले की पाँव पे जो उंगलियां हैं उसको वो क्या कर रहे हैं, उंगलियों से सिर पर कंघी जैसे नोच रहे हैं। तो कभी को लग रहा है कि वो जैसे कंघी कर रहा है। इन्हें देखकर कभी को लगता है कि बगुले अपनी उंगलियों से सिर पर कलंगी सजा रहे हैं। तीरते तीरते जल में शुक्रा सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई।
गंगा के पानी में, जैसे गंगा की पानी में चकवे कर रहे हैं गंगा के तट पर। मगरोठी, मगरोठी मतलब क्या होता है, जलमुर्गी, जलमुर्गी को कहा जाता है मगरोठी। तथा अन्य जो भी पक्षी हैं वो सोए रहते हैं, कहाँ पर, गंगा के तट पर। और लास्ट पैरा देखिए, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाई से सोए, भींगी अधियाली में नीसी की तारक सपनों में से खोए, मरकत टिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। हंसमुख हरियाली हिम आतप मुक्षे अलसाए से सोए। कभी बताते हैं कि गांव के आसपास के प्राकृतिक वातावरण में हंसते हुए मूक के समान हरियाली, सर्दियों की धूप जैसी मस्ती और आलस्य से भरकर सो रही है। भीगी अधियाली में नीसी की तारक सपनों में से खोए, उसकी भीगी रात के अंधेरे में तारे सपनों में खो रहे हैं। सारा गांव मरकत जैसे हरे रंग के मणि के डिब्बे जैसा फुलाई दिखाई दे रहा है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। इसी प्रकार गांव का सारा सौंदर्य भी साफ यानी स्पष्ट रूप से है। ऊपर नीला आकाश एक समियाने के समान प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार गांव का सुंदर वातावरण सर्दियों के बीत जाने के बाद बसंत ऋतु में अपनी शोभा से सभी लोगों के मन को हर लेता है, हर एक लोगों के मन को खुश कर देता है, हर लेता है। तो बच्चों, ये जो तीन पैरा बचा था उसको भी मैंने पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है, लिखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम इसका लिखित रूप भी दे देंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। तो मेरा और एक चैनल है मुक्तामिश क्लास 1-7, तो प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।